स्टूडेंट्स, मैं खास सर आज 9 क्लास के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर आया हूँ आपके सामने। ये एक तरह से आपका रिवीजन क्लास भी आप कह सकते हैं। सर आपको इस सारी चीज़ों के बारे में पहले ही बता चुके हैं, मैं फिर से आपको एक बार उन सारी चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स भी हैं, जैसे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, ये प्रायः हमारे पूछा जाता है कि वाष्पीकरण क्या है और उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। और हम लोग एक नया टॉपिक इसमें दिए हैं, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है। अब हम वाष्पीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, जब जल को गर्म करते हैं तो वो गैस रूप में, वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है। लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसकी परिभाषा देते हैं। परिभाषा के तौर पर कैसे लिखते हैं? न क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अगर कोई द्रव अपने क्वथनांक क्या है, जिस ताप पर कोई द्रव क्या करता है, उबलने लगता है या खोलता है, वो उसकी क्वथनांक होती है। तो उस टेम्परेचर से कम ताप पर अगर द्रव किसमें परिवर्तित होती है, गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। उसी को हम लोगों ने यहाँ लिखा है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण कहलाती है। अब दूसरा टॉपिक उसमें था कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः चार होते हैं। पहला तापमान, दूसरा वायु का वेग, तीसरा सतही क्षेत्रफल, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बोलते हैं वो है नमी, आर्द्रता। अब तापमान इसको कैसे प्रभावित करता है, आप इसको देख सकते हैं कि ठंडा के दिनों में, बरसात के बाद ठंडा आती है, उसमें आप देखे होंगे नदी, तालाब, पोखर आदि में पानी की मात्रा लबालब भरी होगी। लेकिन जैसे ही पृथ्वी का ताप बढ़ता है और गर्मी बढ़ने लगती है, तो जलाशयों की जो जल की मात्रा होती है वो धीरे धीरे लुप्त होता जाता है, कम होता जाता है। इसका कारण क्या है? ताप का बढ़ना। जैसे जैसे किसी भी चीज में हम लोग तापमान इंक्रीज करते हैं, वो उसके प्रभाव में आकर क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या लिया? तापमान। दूसरा लिखा है हम लोग वायु का वेग। आप देखे होंगे घरों में कपड़ा आदि सुखाने के लिए आप कपड़े को पंखे के सामने या हवा के नीचे रखते हैं, तो कपड़ा आपका जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वायु की वेग क्या करती है? जल कणों के साथ टकराकर उसको वाष्पित करने का कार्य करती है। तो वायु का वेग जहां अधिक होता है, वाष्पीकरण की दर वहां अधिक होती है। तीसरा हम लोगों का सतही क्षेत्र पर। आप लोग चाय, कॉफी या दूध वगैरह पीने के लिए विभिन्न तरह के बर्तनों का उपयोग करते हैं, जैसे गिलास, कप, प्लेट हम लोग देखते हैं। तो जो चीज़ हम प्लेट में लेते हैं और उसी चीज़ को अगर कप में लेते हैं और दोनों की तापमान एक ही हो, तो कप में लिया गया वस्तु को पीने के लिए हमें अधिक समय लगता है, क्योंकि उसकी जो सतही क्षेत्रफल वो कम होती है, उसकी डेपनेस ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें वाष्पीकरण की दर धीमा होता है। लेकिन वही कप की चाय को अगर या दूध को हम लोग प्याली या फिर प्लेट में लेकर पीते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी सतही क्षेत्रफल में वृद्धि होती है और उसका डिफरेंस कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और ये तीसरा कारण। और नेक्स्ट है आर्द्रता, नमी। वायु में जब नमी की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर धीमा होता है, जब इसकी कम ही मात्रा होती है, कम होता है, तो आर्द्रता क्या होती है, बढ़ती है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोगों ने इसका चार भाग में लिखा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः चार है, तापमान, वायु का वेग, सतही क्षेत्रफल और आर्द्रता। अब हम लोग बात करते हैं विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट। पिछले कक्षाओं में आपको बताया गया था कि हम लोग देखते हैं कि पदार्थ क्या करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन है। यहाँ देखिए हम लोगों ने उसी का उदाहरण दिया है, ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, द्रव गैस में परिवर्तित होता है, पुनः गैस को अगर संघनित करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो द्रव रूप में आता है, और द्रव को फ्रीजिंग करते हैं, जमाते हैं, या फिर ठोस रूप में रूपांतरित करते हैं, तो वो ठोस में आता है। फ्रीज वगैरह में आप पानी को रखते हैं तो ठोस हो जाता है, देखिए। और ठोस को गर्म करते हैं तो उत्पादित होता है और गैस रूप में आ जाता है, और इसी गैस को अगर संघनित करते हैं,
परिभाषा यहाँ लिखी है, किसी निश्चित तल पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसकी इकाई मात्रा में, उसकी जो इकाई मात्रा होती है उसमें या उसके द्वारा अवशोषित उष्मा को वो अपने अवस्था में परिवर्तित क्या करता है, उष्मा को अवशोषित कर लेती है या फिर वो अपने से उष्मा को उत्सर्जित करती है। अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट मुक्त उष्मा कहलाती है। तो ये जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है इसमें इसकी इकाई मात्रा के द्वारा क्या करता है, बाहरी उष्मा को अवशोषित करता है या फिर उष्मा को रिलीज करता है और क्या करता है, अपनी अवस्था में वो परिवर्तन लाता है। तो अपनी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा वो लेता है या छोड़ता है उस उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक बाकी आप इसको ध्यान से पढ़ें, याद करें और प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने का प्रयास करें। धन्यवाद।